Hello students, welcome in today's video class. Today we are going to start a new topic which is time. Okay? तो हम लोग time के बारे में already previous class में कुछ पढ़े हुए हैं और इस class 2 में हम लोग थोड़ा उससे आगे पढ़ेंगे कि time में और कैसे कैसे हम मतलब clock को read कर सकते हैं, ठीक है, और एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, साथ साथ कितने डेज होते हैं, कितने वीक्स होते हैं और भी कुछ बातें जो हम लोग पिछले क्लास में नहीं पढ़े थे वो आज इस वीडियो में और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पहले पढ़े हैं उस पर क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसका उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहला टॉपिक है प्रीवियस कनेक्ट, मतलब वही जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद रीडिंग ए क्लॉक, तो आपको याद होगा हम लोग क्लॉक को रीड करना पिछले क्लास में सीखे थे लेकिन हम थोड़ा और ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है ना। उसमें सिर्फ हम लोग पूरा पूरा जो ओ क्लॉक जैसे 4 o'clock 5 o'clock ऐसे तो हम देख पाते थे लेकिन अगर 4:30 हो रहा हो तो वो हम नहीं रीड कर पाएंगे। जो हमने क्लास वन में पढ़ा है उसी उस बेस पे हम लोग और अदर टाइम अगर क्लॉक में शो कर रहा हो तो उसको हम लोग रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उससे आगे हम लोग जानेंगे हाफ पास्ट। हाफ पास्ट क्या होता है, हाफ पास्ट कब हम रीड करते हैं, साथ में एएम एंड पीएम क्या होता है, ठीक है ना। आपसे ने देखा होगा अक्सर ऐसे टाइम लिखा है 8 AM है, 9 PM। तो ये एएम पीएम लिखा है तो इसका क्या मतलब है ये हम लोग जानेंगे, साथ में डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, रीडिंग ए कैलेंडर एंड सीजन्स ऑफ द ईयर, मतलब एक साल में सीजन्स कितने होते हैं, इन बातों को भी हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्या था ये, द डे इज डिवाइडेड इंटू 4 parts। डे मतलब जो एक दिन होता है जो 24 hours का होता है उसको 4 parts में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स में, तो एक पार्ट जो शुरुआत जब डे का शुरुआत होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग, ठीक है। फिर मॉर्निंग जब ओवर होता है तो वो हो जाता है नून, ठीक है। उसके बाद नून के बाद आता है इवनिंग और उसके बाद रात आता है, फिर रात के बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब वो डे कंप्लीट हो जाता है, फिर एक अगली सुबह नेक्स्ट डे का फिर से एक नया मॉर्निंग शुरू होता है, फिर नून आएगा, फिर इवनिंग आएगा, फिर नाइट आएगा। तो इस नून को हम लोग बेसिकली आफ्टरनून, ठीक है, क्योंकि ये नून जो है वो कुछ सेकेंड्स के लिए ही आता है ना। जैसे ही ठीक 12 o'clock हुआ नून आ गया, फिर जैसे ही 12 o'clock क्रॉस किया तो फिर आफ्टरनून हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग आफ्टरनून पर ध्यान देंगे। फिर हम लोग जाने थे पिछले क्लास में कि एक क्लॉक में जो लॉन्ग हैंड होता है उसको हम लोग मिनट हैंड कहते हैं और जो शॉर्ट हैंड होता है उसको बोलते हैं आवर हैंड। ये सब हम लोग पिछले क्लास में समझे थे। उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो द आवर हैंड होता है उसको 1 hour लगता है, ठीक है। अगर आप भूल भी हो गए कोई बात नहीं, अभी आप इसको याद कर लें कि जो आवर हैंड होता है उसको पूरा 1 hour लगता है टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। अब ये क्या है वन नंबर टू द नेक्स्ट, इसका मतलब मैं एक बार आपको एक ड्राइंग से समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिए ये एक आपका क्लॉक है, ठीक है, और क्लॉक कैसे बनाएंगे ये भी आपको याद होगा। सबसे पहले हम लोग सेंटर लेते हैं बीच में, फिर ऊपर 12, नीचे 6, राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में 9, और फिर ये जो रिमेनिंग नंबर में फिल कर देते हैं, ठीक है। मैंने अभी जो आपको कहा इस पॉइंट को एक बार फिर से देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। मैंने आप लोग क्या कहा कि जो दो आवर हैंड है उसको कितना समय लगता है, 1 hour लगता है, 1 घंटा लगता है। क्या करने में घंटा लगता है, मूव फ्रॉम, मूव मतलब एक से दूसरे नंबर पे जाने में, ठीक है ना, टू द नेक्स्ट वन नंबर टू द नेक्स्ट, एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने में 1 घंटा का समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए अभी 3 o'clock हो रहा है, ठीक है ना, तो 3 o'clock में जो हमारा मिनट हैंड होगा वो 12 पे होगा और ये जो आवर हैंड है वो 3 पर होगा। अब ये 3 से 4 पे ये जो मिनट हैंड है आप जानते हैं कि घूमता रहता है घड़ी का सारे हैंड, तो ये 3 से 4 पे आने में मतलब 3 से 4 पे आने में इसको कितना समय लगेगा, तो उसके लिए 1 hour का टाइम लगता है, याद रखिएगा। 3 से 4 पर आने में
पूरा 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स लगता है किसी मतलब आवर हैंड को किसी भी क्लॉक में, ये बात आपको मैंने अभी बताया, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये तीनों बात आप समझ गए। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि डे जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। ये नून आफ्टरनून इसको कहिए। इन ए क्लॉक जो लॉन्ग हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है, और शॉर्ट हैंड जो होता है वो आवर हैंड होता है, और आवर हैंड को पूरा 1 घंटा लगता है, 1 आवर टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर, एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने में उसको 1 आवर लगता है। ये सब बात हम लोग जाने। तो अब हम लोग सीखते हैं कि क्लॉक को कैसे रीड करेंगे। देखिए आपके सामने एक क्लॉक दिख रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं नंबर्स, ये आवर्स को डिनोट करते हैं। मतलब अगर ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्टर हैंड है, अभी जैसे आपको बताया गया शॉर्टर हैंड जो होता है आवर हैंड होता है, और लॉन्गर हैंड होता है मिनट हैंड। तो देख रहे हैं आप ये मिनट हैंड लॉन्गर है शॉर्टर हैंड से, तो ये शॉर्टर हैंड आवर को डिनोट करता है, और ये जो नंबर लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आवर्स हैं। मतलब अगर ये आवर हैंड इन नंबर्स के ऊपर डिनोट कर रहा है, इट मीन्स टाइम वही हो रहा है, उतना ही बजा है। तो अभी ये 10 पे है डिनोट कर रहा है, या ये कहीं इंडिकेट कर रहा है, और मिनट हैंड 12 पे है, तो इसका मतलब कितना बज गया, 10 o'clock, ठीक है, 10 o'clock टाइम हो रहा है, ठीक है। अगर यही 3 पे होता तो 3 o'clock होता, 4 पे होता तो 4 o'clock, ठीक है। तो ये आप समझ गए, और ये आप लाइन यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया है। तो ये जो लाइन है बेसिकली मिनट को डिनोट करता है, मिनट है ना। तो शुरुआत कहाँ से होता है, तो 12 से। मतलब अगर आपका मिनट हैंड 12 पे हो तो इट मीन्स इट इज 0 मिनट, कोई इसमें ये नहीं हो रहा है, ये 0 मिनट है। चलिए मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, दिस इज योर मिनट हैंड, एंड दिस इज योर आवर हैंड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आप लोग को कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है ये सब ये मिनट को ड्रॉ कर रहा है, मतलब मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको ये पता करना हो कितने मिनट हुए हैं तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, काउंट करिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए आपको याद रखिएगा 5 का टेबल आपको याद रखना है। मतलब अगर 1 पर है तो 5 1 5, 2 पर है तो 5 2 10, 3 पर है तो 5 3 15, यानी काउंट नहीं करना पड़ेगा। अगर मिनट हैंड आपका 3 पर आ गया, इट मीन्स 5 3 15 मिनट हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अगर ये मिनट हैंड 6 पे आ जाएगा तो इट मीन्स 5 6 30 होता है, इट मीन्स यहाँ पे है तो 30 मिनट्स हुआ है। इस बात को याद रखिए, अभी हम थोड़ी देर बाद आपको इस पर क्लॉक को रीड करना मैं बताऊंगा, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्लॉक से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम लोग को याद रखनी है, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला मिनट हैंड के लिए हम लोग पढ़ेंगे, मिनट हैंड के लिए क्या पढ़ेंगे, पहला पॉइंट ये है कि इट मूव्स फास्टर देन आवर हैंड, इट मूव्स फास्टर देन आवर हैंड्स, ये बात आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग, अब ये जो मिनट हैंड है इसको वापस 12 से जाकर वापस 12 में अगर आना हो तो कितना टाइम से लगेगा, आप खुद काउंट कर लीजिए। 160, ये 60 मिनट्स है ना, 1 2 3 4, ये 60 लाइन ड्रॉज हैं छोटे छोटे, इट मीन्स देर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। तो इसको यहाँ से वापस 12 पर आने में 60 मिनट्स लगेंगे, ये बात आपको याद रखना है। इट टेक्स 60 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड, टू कंप्लीट 1 राउंड, ये आपको याद रखना है। दो बातें, पहला कि मिनट हैंड जो है आवर हैंड से फास्ट मूव करता है, और सेकंड इसको 60 मिनट्स लगते हैं 1 राउंड कंप्लीट करने में, किसको, मिनट हैंड को,
है ना। और ये 60 मिनट को हम लोग 1 आवर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 60 मिनट्स मीन्स, याद रखिएगा, 60 मिनट्स मीन्स, मिनट के लिए शॉर्ट में MIN लिख सकते हैं, 1 आवर, ये भी आपको याद रखना है। 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। अब हम लोग नेक्स्ट आवर के बारे में थोड़ा जान लें। तो दिस इज आवर आवर हैंड, ये जो है पॉइंट, ये हमारा है आवर हैंड। इसके बारे में क्या जानना है? पहला तो ये शॉर्ट हैंड होता है, तो इसको तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इसको एक एक नंबर से, जैसे ये 10 पर है ना, तो 10 से 11 पर जाने में ही इसको 1 आवर लगते हैं, तो जो मैंने अभी शुरू में ही बताया था। लेकिन इसको कंप्लीट राउंड करने में कितना टाइम लगता है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। इट टेक्स 60 मिनट या 1 आवर, दोनों एक ही बात है। इट टेक्स 60 मिनट टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू, वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर, वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर। मतलब ये कि ये 10 से, अगर इसको 10 से 11 पर ही सिर्फ पहुंचने में 1 मिनट लग जाएगा, और जबकि आपका ये जो मिनट हैंड है, ये इसको 60 मिनट्स में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर पर मूव करने में 1 आवर लेता है, ठीक है ना, इतना स्लो मूव करता है ये। और सेकंड बात क्या याद रखना है, अच्छा, इसको अगर एक राउंड कंप्लीट हो तो कितना टाइम लगेगा, तो इसको याद रखिएगा, इट टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट 1 राउंड, ठीक है ना। वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन लिख देते हैं, इट टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट 1 राउंड। डायल, अच्छा एक बात यहां पे ध्यान रखिए, डायल क्या होता है, तो डायल मतलब ये जो आपको पूरा दिख रहा है, जो एरिया है, जो टाइम बताने वाला जो पूरा एरिया है, मतलब ये फुल फिगर जो आपको दिख रहा है, इसको डायल बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिए डायल। तो इस डायल को एक राउंड कंप्लीट करने में, डायल का एक राउंड कंप्लीट करने में आवर हैंड को कितना समय लगता है, 12 आवर्स। वहीं दूसरी तरफ जो आपका मिनट हैंड है, ये डायल टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ डायल, इसको कितना समय लगता है, तो सिर्फ 60 मिनट्स लगता है। ये छोटा छोटा बात है जो आपको याद रखना है। ऑलराइट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, तो ये आई थिंक समथिंग मिसिंग है, ये नहीं होगा यहाँ पे ऐसा, बट इट्स ओके, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये नहीं है। इसके जगह पे क्या होना चाहिए, 1:30। अब 1:30 क्या होता है, तो 1:30 का मतलब है 30 मिनट्स। यानी कि अगर आपका कोई ऐसे क्लॉक हो, क्विकली एक क्लॉक बना देते हैं, इस तरह का कोई क्लॉक है, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। अब मिनट हैंड अगर आपका 6 पर होता है और आवर हैंड सपोज कीजिए यहाँ पे है, जब मिनट हैंड 6 पे होगा तो आवर हैंड किसी दो नंबर के बीच में होगा, ठीक है ना, उस नंबर पे नहीं होगा, उस दो नंबर के, जैसे ये 2 और 3 के बीच में है, ये बात ध्यान रखना है। तो जब ये मिनट हैंड 6 पे होता है, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं 1:30।
और हाफ पास्ट जो होता है वो 30 मिनट्स पास्ट के बराबर होता है, ठीक है। हाफ पास्ट बोलिए या 30 मिनट्स पास्ट, कुछ भी आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो हाफ पास्ट का मतलब आपको क्या समझ में आया कि व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन सिक्स, द मिनट हैंड इज ऑन सिक्स देन इट इज कॉल्ड, देन द क्लॉक शोज हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब कि एक घंटे का आधा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, एंड हाफ एन आवर का मतलब कितना होगा, 30 मिनट्स, ठीक है। हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ पास्ट। जैसे यहां पे अभी आप देख रहे हैं, जैसे इस घड़ी में आप देख रहे हैं कि जो मिनट हैंड है 6 पर है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं हाफ पास्ट। लेकिन हाफ पास्ट कितना, तो देखिए जिसके आगे ये 2 और 3 के बीच में, यानी 2 को क्रॉस कर चुका है, तो इसको हम लेंगे हाफ पास्ट 2 या 30 मिनट्स पास्ट 2, मतलब 2:30, ठीक है। तो कुछ और हम लोग इसको बनाकर समझ लेते हैं कैसे हम लोग हाफ पास्ट रीड करते हैं। जैसे मैंने बताया था, सेंटर में आपका एक, जब भी क्लॉक बनाएंगे तो सेंटर में एक मार्क करेंगे आप, उसके ऊपर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग बना लेते हैं पहले, तो फिर समझा जाएगा 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11। ऐसे ही घड़ी बनाना, देखिए घड़ी बनाना भी सीखिए, क्योंकि अगर आप लोग क्या करते हैं इधर उधर नंबर कर देते हैं तो उसको फिर रीड करने में समझने में दिक्कत होता है। तो ये 12 जो है हमेशा एकदम टॉप पे होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट के ठीक ऊपर होना चाहिए, और 6 जो है उसके ठीक नीचे होना चाहिए, और 3 जो है ठीक राइट में होना चाहिए, और 9 जो है लेफ्ट में होना चाहिए। अब बचा आपका 1, 2, तो ये 1, 2 इधर होगा, 4, 5 इधर होगा, 7, 8 इधर होगा, एंड 11, 12 इधर होगा, सॉरी 11, 12 नहीं, 10, 11, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब सपोज कीजिए कि आपका ये जो मिनट हैंड है वो 6 पर है, और आवर हैंड कहाँ है, तो 7 और 8 के बीच में, ठीक है ना। जब भी मिनट हैंड 6 पे होगा तो याद रखिएगा ये जो आवर हैंड होगा वो किसी भी नंबर को डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करेगा, किसी दो नंबर के बीच में ही होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है ना। अब ये देख लीजिए, ये अभी आपका है सपोज कीजिए 11 और 12 के बीच में, और ये 6 पे है मिनट हैंड, लग रहा है थोड़ा सर्कल इधर बन गया उल्टा, चलेगा। और ये एक ये 9 और 10 के बीच में है, और मिनट हैंड 6 पे है। तो अब आपको रीड करना है इस क्लॉक को, क्या टाइम हो रहा है। तो जैसा अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देखिए हाफ पास्ट के बारे में बताया था ना, कि अगर 6 पे होता है तो उसको हम लोग हाफ पास्ट रीड करते हैं, और इसको हम देखते हैं कि कौन से दो नंबर के बीच में, या ये कहीं किसको क्रॉस किया है, तो ये 2 को क्रॉस किया, क्योंकि 12 से शुरू करना है, काउंटिंग 12 से शुरू करना है। तो आप देखिए 12, 1, 2, 2 के आगे आ गया है, 3 पे आने वाला, इट मीन्स हाफ पास्ट 2। तो सिमिलरली इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, तो ये देखिए 12 से काउंट करिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 को क्रॉस किया है, 8 पे जाने वाला है, मतलब 7 को पास कर गया, पास कर गया है। तो हम क्या लिखेंगे,
और सिक्स पे है तो हाफ पास्ट लिखेंगे ना, हाफ पास्ट किसको क्रॉस किया, सेवन को, तो हाफ पास्ट सेवन। या इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 30 मिनट्स, क्योंकि हाफ का मतलब 30 मिनट्स होगा। जब भी हम लोग टाइम की बात करेंगे तो हाफ मीन्स 30 मिनट्स, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 30 मिनट्स पास्ट 7। अब इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, वो कैसे, तो 6 पर है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, तो 6 पे कितना मिनट्स होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 30 हो जाएगा, तो 30 मिनट्स हो रहा है। और वैसे हम लोग लिखे भी यहाँ पे 30 मिनट्स, तो आप आसानी समझ सकते हैं अगर 6 पे है तो 30 मिनट्स हो रहा है। और 7 पास्ट हो गया तो हम पहले 7 लिखेंगे और ये दो बिंदु देकर जो मिनट है 30 वो लिख देंगे। मतलब कि हम किसी भी टाइम को तीन तरह से लिख सकते हैं, पहला हाफ पास्ट अगर 6 पर है होगा तब हाफ पास्ट 7 लिख सकते हैं, या उसी को 30 मिनट्स पास्ट 7 लिख सकते हैं, या सिंपली उसको 7:30 भी लिख सकते हैं। ये तीनों तरह से हम टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो फिर ये देखिए 6 पर ही है और ये जो आवर है ना वो 11 को क्रॉस किया है, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट 11। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, सेकंड वाला देखिए, 30 मिनट्स पास्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं मिन पास्ट 11, या सिंपली क्या लिख सकते हैं 11:30। तो ये तीन तरह से हम लोग टाइम को लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अभी इसको कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए आपको बस इसमें केवल आवर हैंड पर ध्यान देना है कि आवर किसको क्रॉस किया, 9 को क्रॉस किया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं 9 और ये 6 पर है तो 30, ये सबसे इजी है। सबसे पहले ये लिख लीजिए, अब ये देख 30 मिनट पास्ट है, इसको हम लिख देते हैं हाफ पास्ट 9, ठीक है ना। ये जो पहले हम लोग लिखते हैं वो आवर को लिखते हैं, तो यानी 9 क्रॉस कर चुका है 30 मिनट्स, तो इसलिए हम हाफ पास्ट 9 लिख दिए। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 30 मिनट पास्ट 9। तो आपने सीखा कि अगर हाफ एन आवर पास किया है आपका टाइम, तो उसको हम लोग कैसे तीन तरह से रीड कर सकते हैं, ये आप लोग अभी जाने, है ना। अब हम लोग अपना अगले टॉपिक पे आते हैं, और एक काम करते हैं, आप लोगों को कुछ सेल्फ सॉल्व करने के लिए भी दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, है ना। पर है और ये इधर है। अब आपको तीन तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे ये आपको बताया गया है, उसके बेस पे आपको लिखना है। मैं यहाँ पे स्पेस भी दे रहा हूँ, ठीक है। तीन तरह से आपको, तीन बॉक्स में बना दे रहा हूँ, तीन तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। चलो उतना देर में तो बना ही देंगे। ओके, तो बेस्ट तो ये है, अभी हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसमें आप लोग टाइम अपना फिल कर देंगे, तीन तरह से आपको टाइम को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैं आप अपने कॉपी में अच्छे से बॉक्स बनाकर आपको इस टाइम को जो यहाँ पे शो कर रहा है क्लॉक में, इसको फिल करना है। तीन तरह से आपको इसमें टाइम फिल करना है,
ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एएम एंड पीएम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एएम और पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, देखिएगा स्पेलिंग, ए एन टी एंटी मेरिडियम। एएम का फुल फॉर्म ए फॉर एंटी, एम फॉर मेरिडियम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो एएम होगा कितने से कब समय को हम लोग एंटी मेरिडियम में लिखेंगे, जैसे टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। अब सबसे पहले आपको ये जाना है कि मिडनाइट कब होता है, नून कब होता है। तो नून होता है एकदम 12 o'clock, अगर घड़ी आपका 12 o'clock है, 12 o'clock आपकी घड़ी में हो रहा है और दिन का समय है, इट मीन्स इट इज नून, ठीक है ना। 12 o'clock एट डे इज नून, और सिमिलरली 12 o'clock एट नाइट तो ये क्या होगा आपका, मिडनाइट होगा। पहले समझिए मिडनाइट और नून को समझिए। अगर आपकी घड़ी में 12 बज रहा है और वो दिन है, इट मीन्स उस टाइम को बोलते हैं नून, और वही अगर 12 o'clock हो रहा है आपकी घड़ी में और वो रात का समय है तो उस समय को बोलते हैं मिडनाइट। यानी कि मिडनाइट से मिडनाइट के बाद का समय और नून के पहले वाला समय जो भी होता है उसको हम लोग कहते हैं एएम, यानी उस टाइम को हम लिखते हैं एएम। जैसे सपोज कीजिए अगर लिखा है 7 AM तो आप क्या समझेंगे कि रात को 12 बजे के बाद और दोपहर को 12 बजे के पहले का समय है। यानी कि ऐसा समय कब होना चाहिए, तो मॉर्निंग में। यानी कि एएम जो है, इस एएम लिख देने से हमें पता चल रहा है कि 7 o'clock तो हो रहा है लेकिन सुबह का 7 o'clock, क्योंकि शाम को भी 7 बजता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर पीएम है तो पीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो पोस्ट मेरिडियम। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम। अब ये समय कब से होगा, तो इसका उल्टा, मतलब नून से लेकर मिडनाइट के बीच का जो टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं पीएम। तो नून मतलब जैसे मैंने बताया 12 o'clock एट डे से लेकर 12 o'clock एट नाइट के बीच का जो भी समय है वो होता है पीएम। सिमिलरली अगर लिखा है आपको 7 PM तो आप क्या समझेंगे कि ये जो टाइम है वो शाम वाला है, ऑब्वियस, ठीक है ना। मतलब 12 बजे दोपहर के बाद का समय है, तो दोपहर के बाद का समय यानी कि शाम या रात का ही होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एएम और पीएम हम नहीं यूज करेंगे तो ये बात क्लियर नहीं होगा कि ये जो टाइम है वो सुबह का है या शाम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये जो फुल फॉर्म है वो याद रखना है इसका, ठीक है। देखिए स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। अब कुछ टाइम मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो टाइम जो है वो सुबह का है या शाम का। जैसे सपोज कीजिए अगर आपसे पूछा जाए व्हेन डू यू गेट अप, When do you get up? तो आपका आंसर क्या होगा, सपोज कीजिए यू गेट अप एट 6 AM है ना, तो आप कहते हैं आई गेट अप एट 6:00 AM। और आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि सुबह में मॉर्निंग में उठते हैं, तो समझ में आ रहा है कि सुबह में ही उठते हैं। लेकिन अगर आप एएम लिख देंगे तो यही चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आप सुबह की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि सपोज़ कीजिए, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट सपोज़ कीजिए कुछ लोग नाइट में वर्क करते हैं तो डे में सोते हैं, तो वो हो सकता है 6 PM में उठें, वो 6 AM में ना उठें, है ना। तो ये सिचुएशन हो सकता है, बट बहुत रेयर सिचुएशन है, बट हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग एएम और पीएम मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहता है। अब सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अब इस पे आपका क्वेश्चन क्या होगा, आई
गो टू स्कूल एट 9। अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जगह जहाँ पे इवनिंग स्कूल चलता है तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा AM और PM। अगर आप लिखते हैं PM तो इट मीन्स समझ में आ रहा है कि आपका जो स्कूल है वो इवनिंग स्कूल है और आप इवनिंग को जाते हैं। लेकिन खैर 9 PM बहुत लेट हो गया तो इट्स नॉट करेक्ट टाइम, हम लोग AM ही लिखते हैं। ओके तो ये AM PM लगा देने से कुल मिला कि ये है कि आप ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि वो सुबह का समय है या शाम का समय है या रात का समय है, AM PM से हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ काम ऐसा हो सकता है जैसे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो AM और PM के बिना, जैसे व्हेन डू यू वॉच TV, एक क्वेश्चन है व्हेन डू यू वॉच TV। या वॉच योर फेवरेट, फेवरेट कार्टून, आप अपना फेवरेट कार्टून कब देखते हैं। तो यहां पे अगर आप सिंपली लिख दिए कि आई वॉच माई फेवरेट कार्टून एट 9, तो यहां पे हो सकता है कि 9 आप, क्योंकि कार्टून तो सुबह में भी आता है शाम में भी आता है, तो यहां पे आपको क्लियर लिखना पड़ेगा यस AM और PM। अगर आप AM लिखेंगे इट मीन्स यू वॉच योर कार्टून इन द मॉर्निंग टाइम, और अगर आप लिखते हैं 9 PM तो इससे ये समझ में आएगा कि यू वॉच योर कार्टून एट नाइट टाइम। ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो मैंने एक्सप्लेन किया इससे ये बात समझ में आ गया होगा कि AM और PM क्या होता है, हाफ पास्ट क्या होता है, आवर हैंड मिनट हैंड के बारे में कुछ आप जान गए, और एटलीस्ट आप इससे कुछ टाइम देखना भी सीख गए, उसको कैसे लिखेंगे सीख गए, AM PM जान गए, ये सारी बातों को आप जाने हैं अब तक जितना मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। तो इसी के साथ जो ये पहला पार्ट है उसको मैं आज के लिए ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं आपसे हम अगले पार्ट में जो इसके बचे हुए टॉपिक हैं। आप देख सकते हैं अभी हम लोग के पास इतने सारे टॉपिक्स हैं टू कवर, डेज ऑफ द वीक से लेकर सीजन्स ऑफ द ईयर तक, ये जो 4 टॉपिक्स हैं इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में सेम टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।